पंजाब हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली आ रहे हैं किसान। 200 किसान संगठनों का दिल्ली मार्च शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गाजियाबाद के रूट की, और यहां पर आप प्रशासन को देख सकते हैं अपने दल बल के साथ पूरी तरह से अलर्ट है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सीआरपीएफ भी है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। और इसी वजह से आपको बता दें कि लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी रिपोर्ट कुछ देर पहले हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी और उसमें हमने देखा साफ तौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे। आप तस्वीरें दिखाइए कि अभी किस तरह के हालात और अभी भी लोग कितना परेशान हो रहे हैं और आसपास लोग होंगे तो उनसे भी रिएक्शन लीजिए। देखिए, किसानों का आंदोलन है, किसानों को मनाने की कोशिश की गई, किसान नहीं माने क्योंकि जो पुरानी मांग है वो कहते हैं हमारी मांग मानिए वरना हम दिल्ली कूच करेंगे। कल कोशिश की गई थी मान मनोबल की लेकिन नहीं माने। किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना जगह जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो दिल्ली वाले हैं, जो NCR वाले हैं, वो खासे परेशान हो रहे हैं। आप देखें कि जैसे खबर मिली है कि किसानों ने आना शुरू कर दिया है तो उसके बाद से पुलिस की मूवमेंट और बढ़ गई, क्योंकि गृह मंत्रालय तरफ से आदेश है कि दिल्ली में किसान एंट्री नहीं करने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में घुसेंगे माहौल खराब होगा और एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसका कहीं ना खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि ट्रैफिक की मूवमेंट कितनी स्लो हो चुकी है, हालांकि 11 बज चुके हैं, 11 से ज़्यादा समय हो चुका है। ट्रैफिक की मूवमेंट देखिए आप कि लोगों को कहीं एयरपोर्ट जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, किसी को पेपर देने के लिए जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस हैं उनको बहुत ही दिक्कत हुई निकलने के अंदर। पुलिस बेबस है, पुलिस करे तो करे क्या, लंबा घंटों जाम लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उस जाम से निजात मिलेगी कैसे, एक पॉइंट पे जाम नहीं, हर दिल्ली में हर जगह यही हाल है। टीवी के जरिए लोग देख रहे हैं, देश का पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली जो है इस समय बंधक बनी हुई है जाम से, लेकिन सोल्यूशन इसका किसान जो है अपनी मांग पे अड़े पड़े हैं, लेकिन दिल्ली NCR के लोग इससे खासे परेशान। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि देखिए आप इस सड़कों के बीचों बीच में जो है ये दीवार लगाई जा रही कंक्रीट की, कि अब खबर मिली है कि किसान मूवमेंट करेंगे। आप देखिए जेसीबी है, यहाँ पर MCD के ट्रक खड़े कर रखे हैं सड़कों पर, यहाँ पर यानी आधे से ज़्यादा सड़क जो है इन इंतजाम के चक्कर में घिरे पड़े हुए। आप देखिए आप जो है JCB के है, MCD के ट्रक है, दिल्ली पुलिस ने तमाम यहाँ अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है, ये सारी कवायद कर रखी है कि किसान आंदोलन से। किसानों की मांग जायज़ है, किसान अपनी मांग पर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए कि दिल्ली NCR के लोग कितने परेशान होते हैं। कहीं भी अगर कोई आंदोलन होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, लोग अपनी मांग को लेकर पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है दिल्ली पहुँचना, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी, हर कोई चाहता है कि हम यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे तो हमारी बातें, हमारी मांगें सुनी जाएगी, पूरा देश देखेगा, क्योंकि पूरा देश की अटेंशन होती है आपके दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन आम लोगों को भुगतना पड़ता है जो यहाँ नौकरी पेशा वाले लोग हैं। यहाँ हमने कई तस्वीर ऐसी देखी जो अभी फिलहाल नहीं दिखा पाएंगे हम आपको, कि एम्बुलेंस फंसी हुई थी, पुलिस बेबस थे, पुलिस करे तो करेगा, पुलिस बेबस सामने ये कहती है। इस वक्त तीन तस्वीरें सुरेश हम दिखा रहे हैं, दिल्ली नोएडा की तस्वीरें पहली आपकी टीवी स्क्रीन पर, दूसरी दिल्ली गुरुग्राम की तस्वीर, गाड़ियां रेंगते रेंगते चल रही है, दिल्ली गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर दिल्ली तक सभी लोग परेशान हो रहे हैं जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी क्योंकि सुरेश लगातार इस वक्त बने हुए हैं और आपने यहाँ पर भी देखा कि कैसे सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को छोकर रहेगा किसानों की तरफ से सुरेश, बड़ा ऐलान किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इस वक्त गाजीपुर में मौजूद है। अगर बात करें सिंगू, शंभू और टेकरी बॉर्डर की तो सभी बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील किया गया है। देखिए बता दूं आपको कि किसानों को पता है कि 2024 जो है इलेक्शन होने लोकसभा के, और उन्होंने बड़ा अच्छा दिन चुना, उन्होंने फरवरी, यानी उनको पता है कि 2 महीने बाद दिल्ली में, मेरे देश में इलेक्शन होंगे लोकसभा के, अच्छा दिन चुना है, लेकिन उनको आम आदमी की परेशानी को मतलब नहीं है। इस सुरक्षा बंदोबस्त में मैं आपको बता दूं, बड़ा जानकर ताज्जुब होगा, मेरी कुछ सही कह रहे हैं, बात हुई थी इस सुरक्षा बंदोबस्त में लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि आम जनमानस काफी परेशान होते हुए नजर आएगा। लौटेंगे आपके